एमआर स्किल बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है स्किल नंबर वन जो नेमार यूज करते हैं डिफेंडर्स को बीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस स्किल को सीखने के लिए आपको सिंपल ट्रिक्स को समझना होगा। जस्ट आपको अपने स्ट्रॉन्ग फुट से इस तरीके से बॉल रोल करके चॉप करना है और ये आपके बॉल आपके बॉडी के पीछे से मूव होगी, जैसा कि आप इस वीडियो में एग्जैक्टली देख रहे हो। इस स्किल को आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि बहुत ही हाईली इफेक्टिव है और ये मैच में भी यूज़ हो चुका है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस स्किल को प्रैक्टिस कर सकते हो आप पीछे से चॉप करके। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्किल नंबर टू की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये स्किल भी नेमार ने यूज़ किया अपने मैचेस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है डिफेंडर्स को बीट करने में। तो फ्रेंड्स, इस स्किल को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप डिफेंडर्स को बीट ना कर पाओ और मिस्टेक हो सकती है, तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्किल को प्रैक्टिस करने से पहले आप उसके ट्रिक्स को समझ लो, आप उसके टेक्निक्स को समझ लो। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तरीके से आपको बॉल को स्ट्रॉन्ग फुट से रोल करना है और सेम फुट से ही बॉल को क्विकली किक करना, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। इससे क्या होगा, आपके डिफेंडर्स को टाइम नहीं मिलेगा ये समझने का कि आप बॉल किस तरफ ले जा रहे हो, और इस तरीके से डिफेंडर्स बीट हो जाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। और इसे परफॉर्म करने से पहले आप मेक श्योर हो जाओ कि आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं स्किल नंबर थ्री की तरफ। तो फ्रेंड्स, स्किल नंबर थ्री बहुत ही ईजी है, बट इसका एक चीज़ बहुत टफ है, वो है इसका टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं हुई, आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप डिफेंडर्स को बीट नहीं कर पाओगे, डिफेंडर्स आपसे बॉल को छीन लेंगे और आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस स्किल को सीखने के लिए आपको अपने फुट से बॉल को रोल कराना है और अपोजिट फुट से बॉल को किक करना है, जैसा कि आप इस वीडियो में एग्जैक्टली देख रहे हो, और क्विकली किक करना है, जिससे आपके डिफेंडर्स को टाइमिंग ना मिले, सेम स्किल नंबर टू की तरह। तो ये बहुत ही इफेक्टिव स्किल है। तो अब चढ़ते हैं स्किल नंबर फोर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये स्किल फुल टेक्निकल स्किल है। इस स्किल को करने के लिए आपको इसके ट्रिक्स को समझना होगा। इस स्किल को करने के लिए सबसे पहले बॉल को अपने पीछे के तरफ से पुल करना और इस तरीके से किक करना है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो आप अच्छे से अच्छे डिफेंडर्स को बीट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं स्किल नंबर फाइव की तरफ। ये हमारा लास्ट स्किल है। ये बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही मज़ेदार है, आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो अगर आप इसके टेक्निक्स को समझ सको तो। तो फ्रेंड्स, ये है आपको अपने स्ट्रॉन्ग फुट से बॉल को रोकना है और इस तरीके से टर्न करके बॉल को वीक फुट से लेकर चले जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, इसका ट्रिक्स बहुत ही ईजी है, लेकिन ये बहुत ही हाईली इफेक्टिव है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपको सबसे हेल्पफुल लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और अब हम लोग रेगुलर स्किल के वीडियोस लेके आने वाले हैं। वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप हम लोगों को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।